और कहाँ है सांप? सांप निकला है भाई, सांप निकला है। पहली बार सांप पकड़ते हुए देखूंगा मैं, मारते हुए तो बहुत देखा है लेकिन पकड़ते हुए पहली बार है लाइव। पकड़ लिया। ओ भाई साहब, ये रहा भाई, ये देखो कितना बड़ा है। कभी भी सांप काटे सीधे हॉस्पिटल, बिना झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना। झाड़ फूक के चक्कर में अगर आप पड़ गए तो मौत निश्चित। सुबह सुबह बारिश स्टार्ट हो गई, क्या हुआ? संकेत मिला। सुबह सुबह बारिश स्टार्ट हो चुकी है और अच्छा लग रहा है सुबह सुबह बारिश हो गई तो, ठंडा ठंडा मौसम। पर उतना ही बेकार लग रहा है क्योंकि कुछ काम थे वो करने थे, बारिश की वजह से वो नहीं हो सकते। जैसा कि आज संडे, तो मैंने सोचा था बहुत सारे काम करने के लिए, मजा आ गया। आज 8 बजे तक सो रहा हूँ मैं, 8 बजे के बाद बेड पे पड़ा ही रहा। अब जाके बताऊँ कितना हो गया, 8:25 हो गए, अभी भी नींद नहीं, आँख नहीं खुली हुई ढंग से। ऐसा लग रहा है थोड़ा और लेट जाऊँ। चले भाई काम धंधे करें, झाड़ू पोछा करना है, पूरे घर की सफाई करनी है, एक आध दो जाले दिख रहे हैं वो करना है, उसके बाद सोच रहा था कपड़े धोने के भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश हो रही है तो नहीं, फॉर्चुनेटली बारिश हो रही है लेकिन अनफॉर्चुनेटली कपड़े नहीं धो सकते क्योंकि फिर वो सूखने ही नहीं, कहाँ सुखाऊंगा उन्हें इस चक्कर में। जय जय श्री राधे, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में। और अभी आप लोगों ने देखा होगा मैंने गाड़ी वगैरह धोई थी और मैं अभी 10 मिनट के लिए कहीं मार्केट में गया था। ये देखो गाड़ी का हाल, ये धुली हुई गाड़ी है, क्या हो गया इसका, जितनी साफ करी थी उतनी ही गंदी हो गई है। क्या फ़ायदा हुआ गाड़ी धोने का? देख रहे हो, ये देखो पूरी गंदी हो गई फिर से। बारिश में तो आप कहीं भी गाड़ी निकाल के ले जाओ 10 मिनट के लिए, सोई खेल हो जाता है, जितनी आपने साफ करी है वो सब हो गई बेकार। अब इसे क्या साफ करूं यार मैं, अब लग रहा है दोबारा साफ करनी पड़ेगी। अब ठीक है, अब इसको मैं ऐसे ही रख दूंगा, कवर डाल दूंगा, बस सर के गैरेज में जाएंगे वहां खड़ी कर देंगे और कवर डालेंगे बस। फिलहाल मैं ये फास्टैग लगाना था मुझे, इसलिए मैं आया हूँ। पहले तो इसको इस पर चिपका देता हूँ फास्टैग को। अभी ये क्या हो गया? हाँ अब ठीक है, पता नहीं कहाँ से निकल कर आया था भाई, अजीब सा हो गया था। ओ ओ नहीं नहीं नहीं, अरे यार ठीक है चिपका दिया ये। पहले इसका ये टेप हटाऊंगा यहाँ से, ये टेपिंग जो हो रही है ना इसकी, ये हटा देते हैं। पिंक पिंक से ये टेप लग रहा है, हट जाए यार, नाखून भी नहीं है तो हट भी नहीं पा रहा ढंग से। अरे हट जा, अबे तो बहुत कर्रा वाला स्टिकी है ये, तो ठीक लग रहा है, सही है सेंटर में चिपक गया, लग तो सही रहा है, चिपक तो गया ही होगा बस। ये अपना टोल वाला स्टिकर है, इसको ऐसे घुसा दिया करेंगे, कट जाया करेगा, जब कट जाया करेगा लगेगा हाँ आई कार्ड चल सकता है, उसको निकाल दिया करेंगे। सही सिस्टम है यार, वैसे बढ़िया है, आप लोग भी यूज कर सकते हो, बढ़िया चीज है।
मौसम तो बहुत अच्छा हो गया आज, बारिश हो रही है हल्की हल्की, बढ़िया शानदार। और कहाँ है सांप? सांप निकला है भाई साहब, सांप निकला है, दिख रहा है कहाँ है? पतली लकड़ी और मोटी लकड़ी के बीच में जो गैप है, बड़ी मोटी लकड़ी है ना सर, बिल्कुल जस्ट नीचे वो भी लकड़ी का कलर है उसका भी। मोटा है उससे तो बड़ा लग रहा है मुझे उस दिन वाले से, तो क्या करा बोला बुला लो, टाइम खराब हो जाएगा, बुलाते हैं उसको। हाँ लाल ने कैचर को कॉल कर दिया, वो आ रहे होंगे थोड़ी देर में, पूरी टीम इकट्ठा हो गई, फोटो निकाल ली, फोटो निकाल लेगा नागिन फिल्म जैसा। भैया ऐसा क्यों लग रहा है आपके हाथ कांप रहे हैं क्या? फोटो निकाल लेगा सर, आप नहीं पकड़ूंगा। अरे भाई साहब कैचर आ गया, इसने कैचर आ गया, अब तो आज आज तो आपको सामने बैठाइए बेटा, भैया ना मोटा है, मोटा ये देख रहा है आपको, देख काफी बड़ा है। हां ये तो बड़ा है, पीछे हट जाओ, अब पीछे हट जाओ, इसको घेरना तो नहीं हम लोगों को, अब पीछे हट जाओ भाई साहब, क्योंकि अब वो पकड़ने के लिए आए हैं। उस दिन पहली बार सांप पकड़ते हुए देखूंगा मैं, मारते हुए तो बहुत देखा है लेकिन पकड़ते हुए पहली बार लाइव, और किसी प्रोफेशनल से देखो अच्छे तरीके से पकड़ेंगे वो। उस दिन तो खाली अच्छे लगे थे भैया, लेकिन हमने कहीं कॉम्पनसेट हो जाएगा इसलिए हमने एक नया सांप निकाला, बाजार से लेकर आया हम इसे, सब भाग रहे भाई साहब, आ रही पहले भाग गए, ये सबसे पहले भाग गया। आज होने वाला है बीएल स्नेक एनकाउंटर, ये देखो मैंने अपनी स्टिक निकाल ली है, ग्लव्स निकाल लिया है और बैग भी निकाल लिया, पूरा रेडी कर लिया बैग, अगर वो उधर भागेगा तो हो सकता है उस बैग में चला जाए, देख रहे ये बैग इधर ना निकल जाए, इस तरफ इधर मुंह उस तरफ ही है उसका भैया, पता चले उधर भाग जाए, वैसे तो घोड़ा पछाड़ लग रहा है, तुम ही भागोगे सबसे पहले, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, ओ भाई साहब ये रहा भाई, ये देखो कितना बड़ा है, घोड़ा पछाड़ है, इसको इंडियन रेड स्नेक कहते हैं इंग्लिश में। हाँ जहरीला सांप नहीं होता बिल्कुल भी, अच्छा क्या कलर इतना खतरनाक होता है पीले कलर का, लंबाई ज्यादा ज्यादा होने की वजह से लोग इसको खतरनाक समझ लेते हैं, खतरनाक सांप नहीं है, डर तो लगता ही है फिर भी, डरना स्वाभाविक है, नहीं नॉन वेनमस स्नेक, जाओ अंदर, ये देखो उछल उछल के आ रहा है भाई, है वाकई बहुत बड़ा है ये तो, पकड़ लिया सही है यार, चक्कर लोगों लगाने के बाद आज मिट गया नहीं उस दिन दूसरा था, उस दिन ये वाला नहीं है, हाँ उस दिन तो छोटा सा था, इससे बहुत छोटा था, ये तो बड़ा है, अब ये कहाँ छोड़ोगे आप इसको, फॉरेस्ट एरिया में ले जाते क्यों, ये कपड़े के ऊपर से नहीं काट सकता आपको, नहीं काट सकता बिल्कुल, अच्छा लेकिन क्या ये नॉन वेनमस सांप, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है, काट भी ले तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, इन्फेक्शन पकड़ लेगा, पैरालिसिस वगैरह हो जाता है क्या? हाँ इन्फेक्शन हो सकता है, क्या सबके ब्लड ग्रुप अलग अलग रहते हैं ना, तो उसकी वजह से रिएक्शन सबके अलग अलग हो जाती है, किसी को एंजाइटी अटैक भी आ सकता है वैसे काटने से अगर पता नहीं हो तो, लोग सबसे ज्यादा मरते इसी से हैं कि डर की वजह से, डर की वजह से, कभी भी सांप काटे सीधे हॉस्पिटल, बिना झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना, झाड़ फूक के चक्कर में अगर आप पड़ गए तो मौत निश्चित, सांप के काटने का एक ही इलाज है वो है एंटी स्नेक वेनम सीरम जो की हॉस्पिटलों में मिलता है, सही है यहाँ मिल जाता है अपने मुरार वाले में, बिल्कुल कहीं भी अगर आप जाएंगे हॉस्पिटल, इस बैग को आप आगे आगे रख लोगे, हाँ और क्या, एक ये है छोटा सा वो एक इसमें भी है, ये बीच में बारिश हो गई तो मैं यही रुक गया थाटीपुर में, अच्छा रहा था दो हो गए, हाँ तो दोनों को इकट्ठा छोड़ाएंगे, तो ये भी जहरीला है, नहीं ये भी घोड़ा पछाड़ ही है, अब इस समय क्या बरसात है, बरसात और गर्मियाँ यही दो सीजन है इनके लिए जो ज्यादा निकलती है, हाँ और यहाँ तो देखो पूरा कैसा पूरा मैदान मतलब जंगल टाइप का, यहाँ पे तो बामी है आगे, ये बामी है ये सांपों की,
ये देखो ना पूरा झाड़ी हो रही है ग्रीन। वैसे क्या नहीं बात, पेड़ों पे रहना पसंद करता है, पेड़ों पे इसको छिपकली लीजिए, अपन छिपकली छिपकली तो कहते नहीं, गिर गिलहरी होगा, अंडे वंडे खा लेता होगा, पक्षियों के अंडे वगैरह होगा, ये सब चीजें खाता है। तो फाइनली आज पकड़ लिया ये साहब, देखो कितना बड़ा था वो, कितना फुट होगा ये, कितना फुट होगा ये, करीब 4.5 फुट का है, 4.5 फुट का तो होगा आराम से, कितना तो था, बहुत स्पीड में भागता है भाई साहब, स्पीड बहुत होती है तभी तो घोड़ा पछाड़ कहते हैं, इसीलिए इसको क्या घोड़ा पछाड़ कहते हैं, क्योंकि दौड़ में घोड़े को भी पछाड़ दी, इतनी स्पीड होती है। ये अच्छा हुआ कि भैया पास में ही एरिया में थे, कहीं एक सांप को रेस्क्यू करके मतलब छोड़ने जा रहे थे, तभी हम लोगों ने फोन कर दिया, तो ये पास एरिया में था तो फिर आगे जल्दी, इसलिए अगर ये दूर से आ रहे होते ना, जहाँ लास्ट टाइम आए थे तब तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, पर थैंक गॉड आज ये सांप पकड़ लिया गया, अच्छी बात है, पर उस दिन वाला नहीं पकड़ा गया, उस दिन वाला तो कहीं घूम रहा होगा इधर उधर, ये दूसरा था। चलो अच्छा, किसी को नुकसान नहीं हुआ, ना सांप को हुआ ना किसी इंसान को हुआ, और सांप इजीली पकड़ लिया गया। अगर आप लोगों के आसपास भी कहीं कोई सांप निकलता है तो आप किसी रेस्क्यू पर्सन या स्नेक कैचर्स जो होते हैं, स्नेक कैचर्स को उनको बुलाया करो तो ज़्यादा अच्छा है, रादर देन कि आप किसी और को पकड़वाओ वो मार देगा। लोकल जो आदमी होता है ना, मैंने देखा है कॉलोनी में कुछ और लोग होते हैं जिन्हें शौक होता है, वो पकड़ लेते हैं तो वो मार देते हैं, वो रेस्क्यू नहीं करते उनको, ये लोग क्या प्रोफेशनल है, तो ये लोग पकड़ते हैं और उन्हें किसी दूसरी जगह छोड़ आएंगे। चलो तो इसी के साथ इस ब्लॉग की हम एंडिंग कर देते हैं, आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। और हाँ, ये धरती जितनी आप लोगों की है उतनी इन जीवों की भी है, तो ऐसा ना सोचना कि हमारे यहाँ निकला है तो हम उसे मार दें, कोशिश ज्यादा से ज्यादा करो, कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हार्मफुल या वेनेमस स्नेक है, ना भी हो कुछ भी जानवर निकले एक्स वाई जेड गो वो और निकलती रहती है बिस्कापड़ वगैरह, तो आप किसी रेस्क्यू वाले को बुलाओ, वो अच्छा है।